अगर आपने अभी अभी एक क्रेडिट कार्ड लिया है या उसे लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और उसको इस्तेमाल कैसे करें। आइए आज जानते हैं इन सवालों के जवाब और साथ ही ये भी कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं और समझदारी से अगर कार्ड इस्तेमाल करें तो कैसे चार्जेस और फीस से भी बच सकते हैं। तो पहली बात तो कि कैश इस्तेमाल करने पर आपको कई तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। जब आप ज्यादा कैश कैरी करते हैं तो उसके चोरी होने का डर रहता है। फिर हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए कैश यूज करने का मतलब बार बार ATM या बैंक के चक्कर लगाना। ऊपर से ATM से कैश निकालने की भी डेली लिमिट होती है, यानी कि किसी भी बड़े खर्चे के लिए आपको एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते। एक ही कार्ड से आप अपने सारे पेमेंट्स कर सकते हैं, चाहे वो बड़े खर्चे हो या फिर रोजमर्रा के खर्चे, जैसे दुकानों में किसी भी तरह के पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्जेस, पेट्रोल, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिजली इत्यादि के बिल्स। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स भी मिलती हैं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में जब भी आप कुछ खर्चा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनसे आप वाउचर्स या फिर गिफ्ट आइटम्स ले सकते हैं। हर क्रेडिट कार्ड कंपनी समय समय पर डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स भी निकालती है, जिससे आपको एडिशनल सेविंग्स मिलती है। तो आइए जानते हैं कि असल में ये क्रेडिट कार्ड है क्या। बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह दिखने वाले इस कार्ड में भी कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायरी डेट और CVV होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डेबिट कार्ड से खर्चा करते ही पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्चे का भुगतान आपकी ओर से आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी करती है और आप कंपनी को ये पैसा अगले 20 से 50 दिन में वापस कर सकते हैं। यानी कि क्रेडिट कार्ड आपको देता है और ज्यादा परचेजिंग पावर। इंटरेस्टिंग है ना? पर आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि क्रेडिट कार्ड में चार्जेस भी होते हैं। हाँ, पर तभी जब आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं। पर ये तो हर सर्विस में लागू होता है, जैसे बिजली, पानी या फोन। अगर हम इन सर्विसेज के बिल का भुगतान समय पर ना करें तो फाइन और पेनल्टी तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी से काम लें तो आप क्रेडिट कार्ड का पूरा फायदा भी उठा सकते हैं और आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। आपको हर महीने क्रेडिट कार्ड का मंथली स्टेटमेंट भेजा जाता है और उसमें लिखा होता है आपका पेमेंट ड्यू डेट। बस आपको ये ड्यू डेट नहीं भूलना है। आप अपने कार्ड का पेमेंट यानी कि टोटल अमाउंट ड्यू इस ड्यू डेट तक कर दें तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप अपने क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्च करें जितना कि आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर सके, और अगर आपको किसी वजह से ज्यादा खर्च करना पड़ जाए तो उस खर्चे को आप ड्यू डेट से पहले ही EMI में कन्वर्ट कर लें। यकीन मानिए, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो क्रेडिट कार्ड आपके बहुत काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह की पेमेंट करने का एक सेफ, भरोसेमंद और आसान तरीका है। आजकल लगभग हर दुकान पर एक ऐसी मशीन मिल जाएगी जिसे POS मशीन कहते हैं। इस मशीन में आप इस तरह से कार्ड डालिए, अपना सीक्रेट पिन एंटर कीजिए और हो गई पेमेंट। अब क्योंकि ये पिन सिर्फ आपको पता है, इसलिए और कोई आपका कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो है ना ये सुपर सेफ। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी आपको सिर्फ अपना कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और CVV डालना होता है। इसके बाद आपको अपने फोन पे एक OTP आएगा, बस OTP डालिए और चुटकी में पेमेंट डालिए। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने कार्ड के डिटेल्स, OTP या पिन किसी के साथ शेयर ना करें। बाकी मोबाइल ऐप यूज करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने कहां और कितना खर्चा किया। देखा कितने फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के। इसके अलावा भी क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो डिपेंड करता है इस बात पर कि आप कौन सा कार्ड ले रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट फ्री लाउंज एक्सेस, फ्री मूवी टिकट्स, ऑनलाइन शॉपिंग पे एडिशनल डिस्काउंट्स इत्यादि। इसलिए क्रेडिट कार्ड लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन से बेनिफिट्स की आपको ज्यादा जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्रेडिट कार्ड्स को लेकर जो आपके डाउट्स होंगे वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हो।